ओके हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल. वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द एनटीएससी क्लासेस. एनटीएससी क्लासेस में आज आप लोगों को एपी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि हमें किस टाइप का क्वेश्चन और किस पैटर्न का क्वेश्चन हमने जो भी पढ़ा है वो हम कैसे इसमें यूटिलाइज़ कर सकें. एपी के हम लोग 6 लेक्चर में जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, देखो उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है वो यहाँ पे हम लोग 5-6 एग्जांपल के साथ समझते हैं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं कि एपी में और भी जो अलग अलग टाइप के डाउट्स आते हैं वो डाउट्स किस तरह के होते हैं. ठीक है, बाद में हम लोग उसको देखेंगे. फिलहाल अभी का लेक्चर हमारा ये है कि ये 4-5 जो डाउट्स हैं वो आप लोगों के साथ डील करें ताकि जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन सीख सकें. ठीक है, तो चलो देखते हैं आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है. द 8th टर्म ऑफ एपी इज 23 एंड 102 सेकेंड टर्म इज 305. फाइंड द सीरीज. आपसे सीरीज पूछा है और गिवन क्या क्या है. तो गिवन में आपके पास है 8th टर्म. 8th टर्म को ए एट लिखेंगे. ए एट इज गिवन 23, वेयर एज ए 102 टर्म इज 305. ये दो चीज़ें दे रखी हैं आपके पास. अब आपको सीरीज निकालना है तो ए एट का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस 7d इज इक्वल टू 23 गिवन है और 102 का हो जाएगा ए प्लस 101d. एक कम होता है, 101d इज इक्वल टू 305. ये दो इक्वेशंस आपके बन गए. ये दोनों इक्वेशंस आप लीनियरली हैं, लीनियर पेयर हैं, तो इन दोनों को आप इजली क्या कर सकते हो, इन दोनों को आप इजली सॉल्व कर सकते हो. तो देखते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड. हम लोग कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, बाय एलिमिनेशन. एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हैं. एलिमिनेशन मेथड से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो देखते हैं, लिख लेते हैं a प्लस 7d इज इक्वल टू 23 और ये हमारे पास a प्लस 101d इज इक्वल टू 305 और सब्ट्रैक्ट किए तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा. ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे पास. 7d में 101 गया तो हमारे पास बच गया 94. तो ये बच गया माइनस का 94d और इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो 305 में हमारे पास ये जो वैल्यू बच गया इसको हम लोग देखते हैं. ये हमारे पास हो गया 5 में से 3 गया तो 2, ये आ गया हमारे पास 10 में से 2 गया तो 8 और ये आ गया 282, माइनस का 282. अब इसे आप लोग डिवाइड करोगे तो d का वैल्यू आपको क्या मिल गया, माइनस का 282 अपॉन माइनस का 94. और जब इसको आपस में डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना. 2 टाइम्स में हमारे पास 2 टाइम्स से ज़्यादा लग जाएगा मेरे ख्याल से. 90, 90, 180 और 180 को आप जब डिवाइड करो, 180 का डबल करोगे तो भी हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा. तो हमारे पास ओवरऑल ये 4, 3, 12 3 टाइम्स में कट जाएगा तो ये हमारे पास आ गया 3. यानी आपके पास जो d का वैल्यू है वो d का वैल्यू आपको क्या मिल गया, तो आपको d का वैल्यू जो मिल गया वो है 3. अब ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख लो. जैसे हमारे पास a प्लस 7d इज इक्वल टू 23 है, d का वैल्यू 3 रख दो तो a प्लस 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 23, a प्लस 21 इज इक्वल टू 23. तो a का वैल्यू आपके पास आ गया 23 माइनस 21, दैट्स वाई a का वैल्यू आपके पास आ गया 23 माइनस 21 इट इज़ 2. तो a का वैल्यू 2 आ गया और d का वैल्यू 3 आ गया. तो आपका सीरीज़ क्या होगा, सीरीज़ आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस 5, 3 ऐड करते जाओ, प्लस 8, प्लस 11 एंड सो ऑन. ये इस तरीके से हमने एक सीरीज़ बना लिया है ना. तो जो भी आपको क्वेश्चन में बोला गया था वो हम यूटिलाइज करके ये हमने एपी बना दिया, सीरीज बना दिया. पास क्वेश्चन था, हमने एलिमिनेशन से सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट्स सी। सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है अब कि इफ ए सी ए बी आरएथ टर्म ऑफ ए पी, आरएथ टर्म्स ऑफ ए पी, देन प्रूव दैट कि ए को क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई कर पी से मल्टीप्लाई करने पे और सी को पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई जीरो आएगा। ये आपको प्रूफ करके करते हैं। यहां से हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं पीथ क्यूथ एंड आर एटम किसी भी ए पी में। लेट वी हैव ए पी, मान लिया हम लोगों के पास जो ए पी है वो ए पी क्या है, उस ए पी में ए पी है हमारे पास ए, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म है ए, जिसमें हमारे पास एफ आई आर फर्स्ट टर्म है हमारे पास ए, एंड कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें, कॉमन डिफरेंस है डी, फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है आपके पास डी। पीथ टर्म निकालना है तो पीथ टर्म निकालोगे तो ये हो जाएगा ए पी, तो ए पी का फॉर्मूला होगा ए प्लस पी माइनस वन, और इसका वैल्यू पीथ टर्म का वैल्यू दे रखा, तो हम लोग ये ए और ये ए सेम हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं, है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, ये जो हमारे पास फर्स्ट है इस फर्स्ट टर्म को हम कैपिटल ए मान, फर्स्ट टर्म को हम मान लेते हैं कैपिटल ए और कॉमन डिफरेंस को मान लेते हैं हम लोग कैपिटल डी, कॉमन डिफरेंस को मान लेते हैं, तो क्या बनेगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू कैपिटल डी, ये हो गया। क्यूथ टर्म ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, उसी तरीके से जाएगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। हमारे पास तीन इक्वेशंस हो, वैल्यू दे रखा, ये आपके पास गिवन, These are the given value. ये हमारे पास given है, ठीक है ना, कि pth term हमारा A है, qth term हमारा B है और rth term हमारा C है। A है, B है, C है, ये तीनों मिल गया। A को multiply कर दो इस value से, Q minus Q माइनस आर, इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दो Q माइनस आर, R माइनस P से, और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई कर दो आप थर्ड वैल्यू से P माइनस Q से, P माइनस Q से। तो ओवरऑल ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया और ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ऐड, तो हमारे पास जब आप ऐड करोगे तो आपको आपको डिजायर्ड वैल्यू तो इजीली मिल जाएगा। तो लेट्स सी आपको करना, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्या करना है, मल्टीप्लाई करो और उसके बाद उसको ऐड। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे इस वैल्यू को ए से, तो आपके पास वैल्यू क्या मिलेगा, ए मल्टीप्लाई बाय क्यू माइनस आर, ये मिल गया। फिर प्लस क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई बाय पी माइनस वन इंटू डी, फिर इधर हो जाएगा ए Q माइनस आर, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन लेट्स सी द सेकंड,
by r minus p plus r minus p multiplied by q minus 1 into d is equal to b multiplied by minus p. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन को एक स्टेप सॉल्व और थर्ड इक्वेशन है ए पी माइनस क्यू प्लस फिर इसको मल्टीप्लाई किए हो जाएगा पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय आर माइनस वन इंटू डी और ये हो जाएगा हमारे पास पी मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यू. ये हमारा तीसरा इक्वेशन एक स्टेप सॉल्व कर दिया. इक्वेशन ऐड करना है. अब ये इक्वेशन वन टू एंड थ्री क्या करना है, ऐड वन टू एंड थ्री. एंड थ्री इक्वेशन वन टू एंड थ्री को आप अगर ऐड तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, ये वाले तो सभी मिलेगा. इसके अंदर आपको क्या मिलेगा प्लस जब आप इसको सॉल्व करोगे प्लस देके डी सभी में कॉमन आ जाएगा, डी कॉमन आएगा, उसके अलावा अंदर में आएगा क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई आर माइनस पी मल्टीप्लाई बाय क्यू माइनस वन प्लस पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई आर माइनस वन और ये मल्टीप्लाई हो गया डी से और इक्वल टू साइड में जो हमें चाहिए वो हमारे पास है ही. इक्वल टू दे के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ये हम बार बार नहीं लिखेंगे. ये आर एच एस हो गया ए मल्टीप्लाई बाय क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस में तो मिल गया. आरएचएस में हमारा जीरो प्रूव करना है, प्रूव इट इज जीरो. अब एलएचएस एलएचएस को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको वैल्यू क्या, लेट्स सी. ये हमारा Q इस Q से कट गया, ये हमारा माइनस आर प्लस आर से कट गया, माइनस पी ये प्लस पी से कट गया तो A मल्टीप्लाई बाय जीरो मिला प्लस. अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे देखो Q को P से करेंगे तो Q इंटू पी फिर माइनस का Q माइनस का आर पी और प्लस का R. फिर उसी तरीके से दूसरे को करेंगे तो आर क्यू माइनस आर माइनस का पी क्यू और माइनस माइनस प्लस का पी. उसके बाद तीसरे को करेंगे तो आर पी माइनस का पी माइनस का क्यू आर और प्लस का क्यू माइनस का क्यू. ये मिल गया ठीक है. मल्टीप्लाई बाय ये जो वैल्यू है वो कौन कौन सा वैल्यू, और क्यू पी नेगेटिव आप इसका आर पी इस प्लस का आर क्यू और ये रहा माइनस का आर क्यू. तो ये सारे और कट जाएंगे माइनस और यहाँ पर हमारा है प्लस माइनस आर प्लस पी माइनस पी है
क्या हो गया, हैंड्स प्रूफ्ड। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास था इजीली क्वेश्चन, बन गया ये। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे ऑफ प्रोग्रेशन में कौन सा ऐसा टर्म होगा जो कि फर्स्ट प्रोग्रेशन इज नेगेटिव। तो आप देख सकते हो ये हमारा है, आपको -4/5 मिलेगा। कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म ये रहा और कॉमन डिफरेंस ये रहा। अब आपको कंडीशन क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपका कंडीशन है कि फर्स्ट टर्म नेगेटिव, लेस देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म लेस देन होगा वो चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है तो हम लोग करते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास है 19 प्लस एन माइनस वन और डी का वैल्यू हमारे पास है माइनस का 4/5 और ये वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो ये 19 का साइड चेंज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4/5 इज इक्वल, साइड चेंज करने पे लेस देन ही रहेगा, ये माइनस का 19 हो गया। अब हमने क्या किया, ये जो वैल्यू है हमारा, इस वैल्यू में हमने जब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा वो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेटर हो जाएगा जब हमने दोनों साइड का जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है तो हमने हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे से, है ना, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारे पास आ गया है तो 5 आ गया हमारे माइनस का डबल 9/5, माइनस का डबल 9/5 आ गया। ठीक है अब तो देखोगे तो दोनों साइड माइनस पहले जो ग्रेटर था वो अब लेस हो जाएगा। ठीक है दोनों साइड यानी लेस, तो आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे माइनस से, ये इसको डिवाइड करोगे तो आप
बच गया फोर, फोर सेवन जा ट्वेंटी एट और फोर फाइव जा ट्वेंटी, हमारा एन का वैल्यू 24.75 से ग्रेटर होना चाहिए। तो एन का वैल्यू 24.75 होना चाहिए इज द नंबर ऑफ टर्म, और इसलिए इस 24 जो हमारा तो पहला नेगेटिव टर्म हमारे इस पोजीशन पे आ रहा है, तो इस तरीके से हमारा ये, तो आपको ये कंडीशन, और फिर हम लोग ए और डी का वैल्यू रख के उसे हम सॉल्व करेंगे, वो कंडीशन में चेंज होता है से मल्टीप्लाई ए कंडीशन करो। जैसे हमारे पास कह दिया टू इज ग्रेटर देन वन, और दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे तो वन बाय टू लेस हो जाएगा वन से, वन का रेसिप्रोकल इक्वलिटी चेंज होता है। तो ये दोनों कंडीशन में आपको दिमाग में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग, सम ऑफ दिस सीरीज दिस ए हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म है 101, कॉमन डिफरेंस है -2, और लास्ट टर्म जो है ए एन को हम लोग एल भी बोल सकते हैं, और ये दे रखा है 47, तो है 47 तक, तो ये तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। तो ए हमारा दे रखा है 47, ए का सेवन के लिए वो सम का अभी क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन एटम ऑफ दो आप मान लो आपके पास जो फर्स्ट एपी आपसे पूछा गया है कि आप टी टेन अपॉन ए टेन का वैल्यू फर्स्ट
पूछा गया है कि टेंथ टर्म का। आप लोगों को ट्रिक याद होगा, हम लोग हमने आपको ट्रिक बताया था कि जब एस एन का रिजल्ट आ रहे और टी एन का रिजल्ट आपको पुट करना है, एन के जगह पे पुट करना होता है, तो आपको एन का तो n के जगह पे 2n माइनस 1 2n दिया, n के जगह पे हमने लिख दिया 2n के जगह पे 2n माइनस 1 और ये 1 रख दिया। अब डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करना है 2n माइनस 1 और माइनस 1, ये माइनस 1 था ये माइनस 1 कर दिया 2n माइनस 1 का रेशियो। सम ऑफ एन टर्म का दे रखा है तो एन टर्म का रेशियो निकल गया। इसको कैलकुलेट किया तो अपॉन an क्या निकल गया 4 n माइनस 2 और प्लस 1, डिनोमिनेटर 4 n माइनस 2 और माइनस 1। तो ओवरऑल इसको सॉल्व किए तो n टर्म का रेशियो निकल गया 4 n माइनस 1 अपॉन 4n माइनस 4n माइनस अपॉन 4n माइनस रेशियो कैलकुलेट n के ट्रेन रख दो निकल गया। अब हमें निकालना है p tan अपॉन टर्म, ठीक है। ज्यादा आसान करना है तो ये भी रख इसको रखना है वो 10 पुट कर दो। क्या कहना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो एक बार। हम कह रहे हैं कि n की ये तरीके से आप भी इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने आप पे 2n को 10 पे n पर n को तो क्या आ जाएगा 2 into 10 minus 1। फिर हमारे क्या है 2, जब यहाँ पे 10 रखोगे तो 10 टू जा 20 माइनस 1 यानी 19, यानी n को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ आप रख दो 2 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 19 माइनस 1, तो ये हो गया 39 माइनस 7। तो आपको और इन पांच क्वेश्चन को आइडिया लग गया हो कैसे यूज करना है। अब आप चाहो ताकि उसके बाद आप एनटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको तो आप उसको लेक्चर में आप मुझे